देख बाबू चल अब पढ़ते टेंस। अब शुरू करें जी टेंस। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंपरफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस खत्म है कि ना, यानी प्रेजेंट टेंस के यानी खत्म। अब शुरू भेल कथी पास्ट टेंस। तब टेंस से पढ़म कथी पास्ट टेंस क्लियर है। सबसे पहले वो पास्ट टेंस के समझे के सबसे आसान तरीका है कि कोई भी अगर वाक्य बोल रहे तो इसे लगे कि चाहे कोई काम बीत गए। जैसे मैं पटना गया था, ठीक है, वो पढ़ा, मैं सोया, वह गाया, समझ में। मैं पढ़ रहा था मतलब अगर वाक्य के अंत में था रहे, हूं न रहे, हूं रहता प्रेजेंट टेंस। अगर वाक्य के अंत में था रहत, चाहे इंग्लिश में वाज वेयर लग रहा, हैड लग रहा, चाहे डिड लग रहा, कथी कथी देख कथी कथी वाज चाहे वेयर, समझ में आ रहा, चाहे डिड क्लियर है, चाहे हैड, अगर इतना चीज लागल रहा ना बहुत तो समझ जाए की पास्ट टेंस का इंग्लिश वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में। हिंदी सेंटेंस में खाली एगो चीज या तो था रहा, ठीक है ना, चाहे रहा था, क्लियर है, चाहे पढ़ा, इकार उकार, ठीक है, गया, पुस्तक दी, इस टाइप का वाक्य रहा समझे पास्ट टेंस में, क्लियर है बात ना। वह पढ़ चुका था रहा तो कभी समझे पास्ट टेंस, मतलब ऑलमोस्ट हमें समझ लेकिन वाक्य के अंत में खाली था थे थी रहत ना, है ना, तो समझो कथी पास्ट टेंस के बात कर रहा है। अब पास्ट टेंस के भी बोले चार गो बेटा, कैगो बेटा, चार गो बेटा, जिसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंपरफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम नाम है खाली ओकर टाइटल बदल गया। जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंपरफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे ओकर नाम बदल गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंपरफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्लियर भाई, एमे कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस तो शुरू कर हमने कहा से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करम, और पास्ट टेंस का चार को बेटा तो पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करें, क्लियर है बात, चलो शुरू कर पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट टेंस के चार को है कौन कौन, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और एक लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, अब शुरू करें हमने कौन पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर है ना, चारों भेद लिख लेने का है, उसका शुरू करें हमने कहां से पास्ट इंडेफिनिट से, क्लियर है। अब एक पहचाने के नियम की है से सोच, लास्ट में रहत इकार उकार, वह गया, मैं पढ़ा, वह सुना, वह गया, समझ में आ रहा है बात ना, इकार उकार, उसने पुस्तक दी, ठीक है ना, मैं खिलौना लाया, समझ में आ रहा है, गति पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाए, क्लियर है बात ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करूं अगर स्ट्रक्चर के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बात कर रहे स्ट्रक्चर में, ऐसे लिखे वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, देखो अब वर्ब टू केकरा कहे छे, नॉर्मल वर्ब जैसे इट है, इट पहला रूप भेल, इट कथी है पहला रूप, एक वर्ब फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है पास्ट इंडेफिनिट समझे के, वर्ब फॉर्म इट के दूसरा रूप है इट एट और तीसरा रूप है इट एट, क्लियर है बात ना, एमे कोई दिक्कत नहीं ना, इट एट इट, क्लियर है, तो एही में कहां कथी प्रयोग करे के भाव के दूसरा रूप के, ठीक है ना, याद रखे के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू के प्रयोग करे रहे तो कहां तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव, याद आ रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां कहां यूज करे रहे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, वैसे एहू में अफर्मेटिव में कोई डिड के प्रयोग ना करे के है, यूज कहां करे के है निगेटिव में और इंट्रोगेटिव, कथी के प्रयोग तो डिड के प्रयोग करम, डी आई डी, क्लियर है बात ना, अफर्मेटिव में कोई सहायक के यूज न करे के खाली वर्ब के दूसरा रूप लगा देवे के, क्लियर बात, सब्जेक्ट पहले देवे के वर्ब के दूसरा रूप लगा देती ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। अब बात करना करें एग्जांपल के, अगर एग्जांपल दे रहा छी तब वो देख ध्यान, एग्जांपल देख रहा छी ऐसे मैं खाया, ठीक है, क्लियर ना, तो लिखे हम आई एट, क्लियर है, इट ना एट, एट ई, क्लियर है, ठीक है ना, वह गया, वह गया, ठीक है, ही गोज ना, वो ही वेंट,
क्लियर है, गो वेंट गॉन है ना, गो वेंट गॉन, तो दूसरा रूप कथी हुई वेंट, यहाँ वेंट लग गई, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया बात, ठीक है। ई कथी हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर है, अभी कोई दिक्कत ना। अब अगर बात करी छे निगेटिव सेंटेंस के, देख निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देख सको, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, क्लियर प्लस ऑब्जेक्ट। देख अब ध्यान देवे के, अब यहाँ डिड के प्रयोग चूंकि भे गेल है ना, क्लियर है, तब वर्ब वन के प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब डिड के प्रयोग न हो ना, जब डिड के प्रयोग न हो तब कथी के वर्ब टू के प्रयोग करेंगे, क्लियर है बात। लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव की अगर बात कर रहे हैं तो वर्ब वन के प्रयोग करेंगे, तो बहुत कम जगह वर्ब टू के तरफ प्रयोग मिलेगा अगर खाली अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तब, ठीक है ना। अगर जब ये बात आप निगेटिव के, तो जब डिड ला के लगू तो यहाँ वर्ब वन के प्रयोग करेंगे, केना में डज लगा ली थ्रली वो रे, तो एस सी एस के प्रयोग ना कर दली, याद आ रहा ना, इसे रहित लगा प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर बात करम तो कहते जैसे वह नहीं जाता, कदी वह नहीं जाता है, नहीं जाता है, क्लियर है ना। आ सीधे रहित लग वह जाता है तो ही गोज, क्लियर है, ही गोज, तो यहां ई एस लगे तो लेकिन ना, लेकिन वह नहीं जाता है रहित लगा कदी मतलब ही डज नॉट गो लिख दे रही, याद आ रहा है बात, यहां ई एस लगे तो ना लगे रही, मैंने भरो के पहला रूप दे रही है, काहे कि डज पहले ही लग गेल। उसी तरह एहू वाक्य अगर बात करे छी, मतलब इन नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट के बात करे छी, तो यहां पे भी जब डिड के प्रयोग हो जात ना, तो भरो के पहला रूप लगा देंगे, तो जब सेंटेंस में देखम डिड लागल है तो ओमे कथि करेंगे भरो के पहला रूप लगा देंगे, क्लियर है ना। इरर चेकिंग में भी देख लेबे के बाद, क्लियर है, ठीक है। देख अब एक एग्जांपल के अगर बात करे छी समझ बात, जैसे वह नहीं खाया, वह नहीं खाया, वह नहीं खाया, क्लियर है, तो लिखम ही डिड नॉट कथि ईट की एड, ईट ईट पहला रूप है, काहे यहां डिड के प्रयोग हो गेल तो ईट लगाएं, एड लगाएं, एड कहां लागत जहां डिड के प्रयोग न हो, ठीक है ना, क्लियर बात भेल, निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गेल, ही डिड नॉट है नहीं, एक ये वह कथि सब्जेक्ट है, वह के बाद डिड के प्रयोग करे के, ओकर कथि नॉट के प्रयोग करे के, ओकर कथि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एक मिनट, हाँ ठीक है, कितना ईट है, ऑब्जेक्ट वाक्य में है ना, क्लियर है बात ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब अगर बात करें हमने कथी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव हो गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो कथी करे के डिड के खाली पहले रख दे, मतलब कथी डिड के पहले रख दे, ओकरा बाद फिर जस के तस लिखे के है स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एहू में भरो के पहले रूप, ठीक है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट डिड लगा क्लियर है, प्लस लास्ट में क्वेश्चन, समझ आ गया। तो लिखे के जैसे एग्जांपल लिखे छी, तो क्या क्या वह आम नहीं खाया है, क्या खाया है, आम खाया है ना, सीधे खाया, क्लियर है ना, अगर है हो जाए तो प्रेजेंट में चल जाए, है ना, खाया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चल जाए, ठीक है ना, सीधे खाया, तो लिखेगा डिड ही ईट ए मैंगो, क्लियर भेलक बात, एमे कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है बात। देख डिड के पहलो करे, हाँ एक चीज और, प्रेजेंट इंडिफिनिट जब हमने पढ़े रहे तो वही में कभी आई के साथ लगे थे डू, यू के साथ लगे थे डू, लेकिन ही के साथ लगे थे डज, लेकिन ए में सब के साथ डिड, क्लियर है बात ना, कोई दिक्कत नहीं ना, सब के साथ नहीं प्रयोग करेंगे, डिड के प्रयोग करें, चाहे कोई भी चीज रहे, सब्जेक्ट आई रहे, यू रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, चाहे नाम रहे, कुछ भी रहे, सब के साथ कथी प्रयोग करेंगे, डिड के, समझ में आ गया ना। और लास्ट में कथी इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव भी दो तरह से है, सब में वह नियम, इंट्रोगेटिव क्या तरह से दो तरह से है, एगो इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, क्लियर है बात ना, कोई दिक्कत ना। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हो तो यहाँ देख, यहाँ सब्जेक्ट है ना, एकरा बाद नोट लगा दें, क्लियर है, इस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देवे क्या, और इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करता हूं, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड का तो कुछ ना, ये स्ट्रक्चर लिखा है जस्ट बस, खाली शुरू में कथी करेगा डब्ल्यू एच वर्ड के जोड़ देवे के, समझ में आ गया बात। अब डब्ल्यू एच वर्ड है कौन कौन, तो व्हाट है, व्हेन है, और कथी व्हाई है, और कथी है, वेयर, और कुछ हाउ, समझ में आ गया बात, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो डब्ल्यू एच वर्ड के बात कर, खाली इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सेम हो जाए, खाली पहले डब्ल्यू एच वर्ड के लिख देवे,
क्लियर हो गया बात में, अभी कोई दिक्कत नहीं ना। चल देख अब हो गया पास्ट इंडिफिनिट कंप्लीट ना, अब चौरम कथी पास्ट इम्परफेक्ट, ठीक है। अगर प्रेजेंट में अपनी बात करते रहा हूँ, रहे हैं पढ़ित रही है इस टाइप का, रहा रही लग रहा है रही तरह लास्ट में, लेकिन वह पास्ट में आ जाता रहा था रही थी रहे थे इस टाइप, क्लियर हो गया बात में, कोई भी दिक्कत नहीं ना। तो चल चल शुरू करे छे पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट क्लियर है। समझे के जहाँ तक बात समझ गई कि रहा था रही थी रहे थे रहत, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर लिखे के लिख लिए पहचानने का नियम, तो वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे लगा, ठीक है ना। डायरेक्ट चले छी कहां थे स्ट्रक्चर पर, खाली स्ट्रक्चर समझता था सर होना। देख स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहा छी, सबसे पहले कथी आया वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाजवेयर, ठीक है, प्लस भर्ब प्लस आई एन, ठीक है। एक भर्ब प्लस आई एन जी के तू भी फोर भी लिख सकै छे, एकर जिरंड कहल जाई छे, ठीक है ना। अगर कोनो भर्ब के अंत में आई एन जी जुट गेल तो कथि जिरंड, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एना लिखे भर्ब करू, बच्चा वाला छोड़ के डायरेक्ट लिखे के भर्ब प्लस आई एन जी, क्लियर है बात ना। अबे कोई दिक्कत नहीं ना, तो लिख लेबे के भर्ब प्लस आई एन जी और प्लस कथि ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गेल बा। अब जैसे देख अगर हाई अफर्मेटिव सेंटेंस करल वो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एग्जाम्पल के बात करूं, जैसे रहा मैं पटना जा रहा था, पटना जा रहा था, ठीक है। अब देख सबसे पहले कथी सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, यहाँ आई लिख ले, क्लियर है। अब आई के साथ कथी लगे वो वाज की वाज, वाज। तो यहाँ लगे कथी आई वाज, और देख यो याद रख ले आई के साथ कथी लगे वो वाज, ठीक है ना। अच्छा यू के साथ कथी लगे वो वेयर, ठीक है ना। अच्छा ही के साथ भी कथी लगा, क्लियर में लगवा। अच्छा अगर वी रहा तो कथी लगत वेयर, देख वी मतलब ज्यादा, मतलब एक से अधिक व्यक्ति की बात करता हूँ वेयर लगा दू, वैसे समझना। एक व्यक्ति की बात करता वाज लगा, हम लोग जा रहे थे, हाँ हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ कथी वेयर के प्रयोग करो, ठीक है ना। अभी कोई दिक्कत नहीं ना। आई वाज, अब गो है जाना की इंग्लिश कथी गो, आई में जुड़े कथी आई आई वाज गोइंग टू पटना, क्लियर में लग बात, इनमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब बन जाए अगर यू रहा यू वी आर गोइंग टू पटना, क्लियर है ना। एक एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करूं कथी के नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, ठीक है, प्लस भर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक कर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, खाली नहीं रहा, मैं पटना नहीं जा रहा था, मैं पटना नहीं जा रहा था, क्लियर है। बस सबसे पहले कभी सब्जेक्ट आई, ओकरा कभी आई के साथ वाज के प्रयोग तो वाज, ठीक है, वाज के बाद कभी नॉट आई वाज नॉट, है ना। भर्ब कभी जाना, जाना के लिए गो, आई एन जी जोड़ देवे का, आई वाज नॉट गोइंग टू पटना, क्लियर है लगभग। अब चलो आगे इंट्रोगेटिव पर, अब आगे चले जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर। अब एक स्ट्रक्चर पूछना, स्ट्रक्चर एक ही वो याद कर, ज्यादा स्ट्रक्चर याद करेंगे अभी ना, एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर लो अपने आप टोटल याद हो जाए, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव करूं तो खाली कथी करेगी एक ज्वेलरी भर, मतलब हेल्पिंग भर, मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के पहले रख दे, बाकी सब दस दस उतार दे, क्लियर बात है। अफर्मेटिव सेंटेंस अनुसार देख वाज वेयर के पहले रख दे, बाकी कथी लिख ली वाज, ठीक है, वेयर है ना, ओकरा कथी प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, याद रखिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है, नहीं बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। अब देख एक एग्जांपल, यह वाक्य बनाते हैं इंट्रोगेटिव, वो मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव में कभी नहीं जा रहा था, इंट्रोगेटिव कभी लिखा बता, क्या मैं पटना नहीं जा रहा था, पटना नहीं जा रहा था। अच्छा नॉट भेल तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भेल, ठीक है, नॉर्मल था हटा दे, नहीं कोई दिक्कत ना। देख अब मैं के पहले सब्जेक्ट चूज कर लेवे के, ठीक है ना, मैं के स्पेलिंग कथी आई, आई के साथ वाज, तो पहले कभी लिख लेवे के वाज,
वाज आई गोइंग, ठीक है, वाज आई गोइंग पटना, क्लियर भलक बात। लास्ट में समझ में आ गया बात। अब यही इंट्रोगेटिव में से क्या दू को भेद कथी कर दी, एगो इंट्रोगेटिव निगेटिव एगो डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। अगर डब्ल्यू एच इंट्रोगेट डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव बात करते हैं कथी करी करेगा शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड दे देगा। अब केना में तो कि वह पटना क्यों जा रहा था, तो वाक्य के बीच में क्यों है, तो क्यों के सुनी हुआ है, तो शुरू में लिख देवे क्या हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और एग्जांपल समझ, एग्जांपल जैसे वह पटना क्यों जा रहा था, वह पटना क्यों जा रहा था, क्यों जा रहा था, ठीक है। सबसे पहले वाक्य के बीच में रहा था वो, देख शुरू में चेंज किया है ना, इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव के अगर नॉर्मल इंट्रोगेटिव तो शुरू में क्या लिख रहा, खाली क्या है रहा है ना। अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव रहता ना, तो अगर बीच में वाक्य के बीच में कहीं क्यों कब कहां कैसे है ना, इस टाइप के बीच में दे रहा था वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले ओकरे स्पेलिंग लिखे जाए, सबसे पहले क्यों, तो क्यों कैसे लिखे थे, व्हाई लिखेगा, व्हाई क्लियर है ना, व्हाई। अच्छा वह है तो वह के साथ वाच के पेयर, वाच के प्रयोग तो वाज, व्हाई वाज ही है गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, ठीक है, गोइंग टू पटना। देख यहाँ के बाद वाज ही गोइंग टू पटना जस्ट रहा कि ना, वाज आई गोइंग टू पटना जस्ट है कि ना, खाली कथी के लिए एक स्पेलिंग दे दिली वाई के, समझ में अलग बात, क्यों के स्पेलिंग वाई लिख दिली, हो गई कम्प्लीट, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पास्ट इम्परफेक्ट है, क्लियर है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस वो इंट्रोगेटिव निगेटिव कुछ ना, खाली यही में देखिए, जैसे एग्जांपल दे नहीं है, क्या मैं पटना जा रहा हूँ, यही में क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, ठीक है। कुछ ना, खाली सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, क्या मैं के साथ वाज के प्रयोग लिखेगा, वाज आई, बस सब्जेक्ट के बाद नोट प्रयोग कर देगा, क्या वाज आई नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है, गोइंग टू पटना, क्लियर है कल बात, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना, जा रहा गोइंग था, सही बात, ठीक है ना, वाज आई नॉट गोइंग टू पटना, क्लियर है ना, नोट कर ले वो। जाके अब एकरा की करेगा है, अभ्यास कर लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलते का इंड कर, फिर अगला दो टेंस अगला।